हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं, बनाएंगे गोभी के पराठे। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गोभी ले रखी है, इसे कद्दूकस करेंगे। और ये बड़े वाले से छोटे वाले से करेंगे, बड़े वाले से नहीं करेंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन बहुत ही ज़रूरी होता है पाचन के लिए। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी, और 1 चम्मच कसूरी लाल मिर्ची डाल दूंगी पाउडर। थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। और ये मैंने 3 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके ले ली, ये डाल देंगे। तो इसमें 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और इसमें नमक डाल दूंगी मैं स्वाद के हिसाब से। तो इसे अब थोड़ी देर साइड में रखेंगे। इसमें नमक डाल रखें इसलिए इसे मिक्स नहीं करेंगे, वरना पानी छोड़ देगा। और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है जो हम रोज बनाते हैं, और इस कप से 3 कप लिया है। तो आप किसी कटोरी से माप बना लीजिएगा और उसी से एक हिसाब से डालिएगा। या फिर आप आटा ज़्यादा भी गूंथ सकते हैं, अगर बाद में बचा है तो रख दीजिए, रोटी वगैरह भी बन सकती है इसकी। और इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें नमक डाल दूंगी मैं थोड़ा सा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी से इसे गूंथेंगे। और इसे ना हमें एक टाइट डो बनाना है, ना एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, मीडियम टाइप का एक डो बनाना है आटे का। इसलिए ज़्यादा पानी ना हो ये ध्यान रखिएगा, वरना बहुत पानी हो जाएगा तो हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे पराठे फट जाएंगे। तो हमारा आटा गूंथ के हो गया है, देखिए इस तरह से। और इसमें अब हम लगा देंगे ऑयल 1 चम्मच, जैसे कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बना रहे और बेलते समय फटे ना। तो इसे ऑयल लगा के हो गया है, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। एक गीले कपड़े से ढक देंगे और 10 मिनट तक रख देंगे ढककर। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। इसे हाथों से मिक्स करेंगे जैसे कि इसके अंदर नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए हल्का हल्का गीला हो गया है, इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन डाल देंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो सूख जाएगा और हमें बेलने में बहुत ही आराम रहेगा। ये मैंने 1.5 चम्मच तक बेसन लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस जैसे कि हमारे ये जो है डो एकदम अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लें, और पराठा बेलते समय यहाँ वहाँ ना गिरे, हमें भरने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए हो गया है, तो चलिए इसे खोल देते हैं। 10 मिनट हो गया है,
एकदम सॉफ्ट सा डो बन गया है, अच्छा सा जैसे हमें चाहिए। इसे हल्का सा एक बार मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्लेट में आटा ले रखा है, सूखा आटा। और एक चकला ले लेंगे, चकले पे बेलेंगे इसे। इतना इतना लेंगे डो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में। चलिए आपको मैं बेलते हुए पहले इसमें फिलिंग कैसे भरते हैं वो दिखाती हूँ। इस तरह से कटोरी की तरह इसमें दो चम्मच तक फिलिंग भरेंगे। और भर ज़्यादा लगे इसे इस तरह से मोल्ड करते हुए इसे बड़ा करना है। और इस तरह से सारा ऊपर का पकड़ लेना है और पकड़ के इस तरह से गोल कर देना है। और इस तरह से हाथों से इसे दबा देना है। अब हमें इसे आटे की मदद से बेलना है और बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। हमें इसे ज़्यादा ज़ोर से दबाते हुए नहीं बेलना है। अगर हम इसे ज़्यादा ज़ोर से कोशिश करेंगे फटाफट बेलने की तो ये फट जाएगा। बस बेलते समय यही ध्यान रखना है कि हमारे हाथ को जितना हल्के से हम इसे बेल सकें उतनी ही अच्छे से ये, वैसे तो ये फटेगा नहीं लेकिन अगर हम दबा के बेलेंगे तो ये फट सकता है, क्योंकि इसमें गोभी जो है वो फ्राई नहीं है, कच्ची गोभी है। अगर वो फ्राई होती तो थोड़ी गली हुई होती और फिर वो एकदम सॉफ्ट रहती, फिर वो फटने का चांस नहीं था। चलिए मैंने बेल लिया है इसे, अब इसे सेक लेते हैं तवे पे। चलिए तवा गरम हो गया है, उस पर हम डाल देते हैं इसे। तो चलिए पराठे को पलट देते हैं और इस पर ऑयल घी जो भी आप खाते हैं वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। और दूसरी तरफ भी लगा लेंगे इस तरह से। पराठा तो घी का ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो आप चाहो तो घी और बटर और तेल भी मिक्स करके लगा सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी पराठा बनता है। तो चलिए इसे पीछे की साइड भी पका लेते हैं, दोनों तरफ से पकाना है। तो चलिए ये हो गया है, इसी तरह से सारे पराठे सेक लेंगे। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।